हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह उठ गई हूँ 5 बजे ही, और एक तरफ मैगी बना रही हूँ, बॉयल आलू हो चुका है, एक तरफ ये देखिए एक पतीला भर के चाय। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एक पतीला चाय किसके लिए बन रही है, भाई हमारे लिए ही बन रही है एक पतीला चाय। और यहाँ पर देखिए मटर की वही सूखी वाली सब्जी, टमाटर और मटर गल रहे हैं और आलू बॉयल ऊपर से जाएगा, तो इसलिए अभी आलू नहीं गया है। आलू ये देखिए बॉयल करके इसको मैंने मतलब अच्छे से तोड़ लिया है, थोड़ा गर्म ही था इसलिए थोड़ा ही तोड़ा है। तो इसमें मैं डाल लूँगी मक्की का आटा और उतना ही मतलब उससे कम थोड़ा सा गेहूं का आटा, बाइंडिंग हो जाएगी ना गेहूं का आटा जब डाल दूँगी तो आराम से पूरियां जो है बन जाएगी। और ऊपर से डालूँगी अजवाइन, नमक, मिर्च और हरी धनिया, इसको मैंने कूट के मसाला बनाया था वो डाल दिया, मतलब उसकी चटनी थी बिल्कुल ही, और नमक भी था इसमें। वाह, इतना अच्छा डो मेरा लग के तैयार हो गया, और तब तक मेरा ये तेल भी गर्म हो चुका है अच्छी तरह से, और मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो मैं चाय को ना छान लूँगी बड़ी वाली छाननी से और जग में, क्योंकि आज है हमें कहीं जाना, और कहाँ जाना है वो अभी पता ही चलने वाला है आप लोगों को। तो इसलिए 5 बजे उठ के ये सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ। रात दिन भर की ये चाय बनाकर मैं रख लेती हूँ बॉटल में, क्योंकि सर्दी का है ना मौसम, तो फिर चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर चाय बन गई है हमारी, चाय छन भी गई है, और एक तरफ मैं पूरियाँ फटाफट निकाल ले रही हूँ। तो पूरियाँ मैंने जल्दी जल्दी तल जाती है, ये मक्की की आटे वाली खस्ता पूरियाँ होती है जिसमें मतलब आलू मैश किया होता है, और मसाला पूरी भी इसको बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है। तो यहाँ पर मैं रख लेती हूँ पूरियाँ जो है, रख चुकी हूँ कैसरोल भर के, क्योंकि पूरे दिन का है। और ये देखिए 3 अमरूद है, काला नमक भी है साथ में, क्योंकि काला नमक लगा के खाएंगे तो टेस्टी लगता है। और मूँगफली है, मतलब इसी के अंदर स्पून भी डाल लिया मैंने, ये चाकू भी रख लिया है। तो यश चला गया नहाने, ये सब करने के बाद, पैक करने के बाद मैं आ गई हूँ यश के रूम में, क्योंकि यश अभी नहाने गया है तो उसका बिस्तर भी ठीक कर देती हूँ लगे हाथ, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। और ये भी एक तरफ नहा रहे थे, तो दोनों बाथरूम मतलब मेरा इंगेज था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा लाओ मैं एक तरफ फटाफट बिस्तर ठीक कर लेती हूँ, और कहीं से आओ ना तो बिस्तर भी ठीक ठाक रहता है, घर सही मिलता है तो अच्छा लगता है। तो बिस्तर करने के बाद मैं सीधे नहाने चली गई थी, तो नहा कर आ गई हूँ, और मैंने अभी ये टॉप पहन लिया है, बट इसके ऊपर जाने वाला है जैकेट, क्योंकि टॉप से काम नहीं चलने वाला है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारा सामान मेरा पैक हो गया है और मैं रेडी हो गई हूँ, पानी की वाटर बॉटल सब रख ली हूँ। अब मैं फटाफट नीचे पहुँच गए हैं और गाड़ी स्टार्ट कर दिया है, गुस्सा भी हो रहे हैं कि लेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ गाड़ी में, और बहुत बाहर ठंड है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा धुंध तो नहीं लग रही है, मतलब दिख रहा है सब कुछ, वरना तो कई बार मौसम बहुत ज़्यादा गंदा आजकल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, कहीं आना जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर सब कुछ शिमला हुआ है, सच में शिमला हो रखा है, एकदम ऐसा लग रहा है शिमला घूम रहे हैं। यहाँ पर श्रेया भी बात कर रही है, श्रेया की वीडियो कॉल भी आ रही है। तो यहाँ पर मैं अब सुंदरकांड का पाठ पढ़ूंगी, और बेटा मेरा बोल रहा है सुंदरकांड का पाठ कौन ही पढ़ता है गाड़ी में, मैंने कहा मैं पढ़ती हूँ। तो चलिए मैं पाठ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मतलब गाड़ी में ना सुंदरकांड का पाठ करते रहो तो टाइम अच्छा पास हो जाता है, और पूजा भी हो जाती है, दिल को भी शांति मिलती है। तो अभी हम लोग अम्बाला क्रॉस किए हैं, लेकिन अम्बाला मतलब चला गया है, लेकिन धूप के दर्शन नहीं हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये भी साफ मौसम हो ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा मौसम है, बहुत ज़्यादा ख़राब, और डर लग रहा है एकदम से मतलब चलते हुए भी। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप दिख गया, तो ये बोले चलो गाड़ी में पेट्रोल और भरवा लेता हूँ थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा उतरेंगे। यश तुम यहीं रहोगे कि जाओगे? जाओ पहले, तुम चले जाओ फिर जाओ। तो थोड़ी देर के लिए बाहर गई, इतनी ठंड है, इतनी ठंड में वापस से इसी में आ गई, क्योंकि बाहर बिल्कुल खड़ा होने का ही मौसम नहीं है। बाबा ये तो मौसम ने कमाल कर दिया, ये देखिए ये देखिए। तो यहाँ पर पेट्रोल पंप के आगे ही बहुत ही भयानक हादसा हुआ है, रोडवेज देखिए कितना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है कि आगे का बिल्कुल पिचक गया है, देख सकते हैं आप लोग, वो बस बहुत बुरी तरह से मतलब एकदम से एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयानक। और ये सब देख के ना रास्ते में रहो तो और डर लग जाता है, भगवान का नाम लेके बस चलते रहो इस मौसम में।
और बहुत जरूरी था जाना, नहीं तो मैं भी नहीं जाने वाली थी ऐसे ठंड में। तो ऐसे मौसम में बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग, इधर का मौसम देखिए कैसा हो रखा है, बिल्कुल बिल्कुल ही। शिमला यही है, शिमला जाने की, कुल्लू मनाली कहीं भी किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं पासपोर्ट ऑफिस। तो अब चंडीगढ़ हम पहुँच चुके हैं और पासपोर्ट ऑफिस अभी सर्च कर रहा है बेटा गूगल पे, मतलब गूगल जी लेकर हमें जाएंगे, रास्ता वही बताते हैं ना आजकल, तो सबके मार्गदर्शक वही हैं, गूगल जी ही हैं, क्योंकि वही सही रास्ता और कभी कभी हमें भटका भी देते हैं। तो हमें भी ऐसे ही शॉर्टकट पता नहीं कहाँ से घुमाते घुमाते, लेकिन ये है कि आ ही गए हैं हम। खाना दे रही हूँ बेटी को खाने के लिए, ये ले खा ले बेटा, इसे पूरी इसमें सब्जी खा लो बच्चे। तो बेटा खाना खा लिया, फिर हम दोनों ने भी खा लिया कि चलो खा ही लेते हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था और नाश्ता हम घर से ही करके आए थे। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा लिए हैं और तीनों ने ही खा लिया खाना। जो ये पूरियाँ थी ना, ये इतनी टेस्टी लग रही थी, मतलब ठंडी होने के बाद भी। और इसमें ना आलू मैश करके जब डालते हैं ना मक्की के आटे में, और इसमें बहुत सारे मसाले डल जाते थे, मसाला पूरी बन के तैयार हो जाती है, मतलब इसको चाहे आप चाय के साथ खा लेना तो सब्जी की ना जो कमी है वो महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद अमरूद भी खा लिया भाई हमने, अमरूद खाने की आदत जो है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी से निकल गई हूँ बाहर, और बाहर निकल के थोड़ा सा मैं चंडीगढ़ को देख रही हूँ, निहार रही हूँ, और ये लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे ना बैठे बैठे एकदम हालत ख़राब हो गई थी गाड़ी, मैंने कहा थोड़ा सा चल लेती हूँ ऐसे ही पैदल वॉक कर लेती हूँ। तो बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो गाड़ी में बैठ कर तुरंत ही चाय निकाली हूँ और चाय हम लोग पी लिए। और तब तक बेटे का जाने का टाइम हो गया है, मतलब अब वो ऑफिस के अंदर जा रहा है। तो अब यहाँ पर वो जैकेट निकाल दिया था, वो जैकेट वगैरह पहन रहा है अपना और अपनी फाइल वगैरह लेगा। बाय बच्चे, बेस्ट ऑफ लक। बाहर से घूम घाम के आ गई और अभी यशु गया है, मतलब अंदर उसका जो काम है वो चल रहा है। तो ये बाहर वैसे ही टहल रहे हैं, तो ये मतलब यश का वेट कर रहे हैं। और बैठे बैठे ना जी उब गया बिल्कुल ही, सच में आज बताऊं तो। लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत टहल ली तो अच्छा लगा, पर बाहर इतनी ठंड है ना, फिर आके गाड़ी में ही बैठ जा रही हूँ। हल्का सा सूर्यदेव इस टाइम दिखे हल्के से, ऐसा नहीं कि एकदम धूप नहीं दिखी, भाई दिख गई है धूप थोड़ी सी, घर जाते जाते हमें रात हो जाएगी। पता नहीं कितना रात होगी ये नहीं पता, लेकिन रात हो जाएगी, क्योंकि 5 बजे से पहले यश नहीं फ्री होने वाला है। और हम किस काम के लिए आए हैं वो भी बता देती हूँ। हम आए हैं यश का पासपोर्ट जो था ना, वो मतलब यश बचपन में छोटा था ना तब का बना हुआ था, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो उसका जो है दोबारा से मतलब कुछ करना था, दोबारा से बनेगा, तो इसलिए हमें चंडीगढ़ आना पड़ा है। और जो है ये तत्काल में बन रहा है, मैं पहले बता दूं ये तत्काल में बनवाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद हो सकता है यश को भी जाना पड़े, मुझे तत्काल में आना पड़ गया फिलहाल इस ठंड में, वरना मैं कभी भी नहीं आती इतनी ठंड में चंडीगढ़, लेकिन ठंड में आना पड़ गया है, बच्चे के लिए आना पड़ता है, बच्चों का काम है तो माँ बाप को तो आना ही पड़ेगा, कौन आएगा। और फिलहाल मेरी छुट्टियां चल रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं अभी इस छुट्टियों में ही, और डेट भी आज की मिली थी, सबसे बड़ी बात डेट ही आज की मिली थी, तो आज तो आना ही आना था। पहले मैंने बोला आप दोनों लोग चले जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन इनकी जैसी की आदत है ये ना मेरे बिना खिसकते नहीं है, बिल्कुल भी मेरे बिना खिसकते नहीं है, कहते नहीं तुम भी चलो, यश चला जाएगा अंदर वहां पे टाइम लगेगा फिर मैं बोर हो जाऊंगा इसलिए तुम भी चलो, मतलब मेरी किटिर किटिर से उबते नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपका साथ दे देती हूँ, मैं चल पड़ती हूँ। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। तो मैं अकेले ही भजन भजन गाती बैठी हुई हूँ, क्या करूँ, भजन गा के ही टाइम पास कर रही हूँ अपना। तो यहाँ पर अब हम चल दिए हैं हिसार की तरफ, चल दिए हैं घर की तरफ, और बज रहे हैं 5, देखते हैं कब तक मतलब घर के अंदर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हो पाया है, क्योंकि रोज ना कुछ चेंज होता रहता है रूल्स, तो जिसका हमें पता ही नहीं था। बज गए हैं 9:30 और अभी हम लोग यहाँ पर गाड़ी रोके हैं, खाना खाएंगे क्योंकि जाने के बाद हिम्मत नहीं है बनाने की, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और सच में बताऊँ हम 5 बजे के चले थे,
ऐसे 7 बजे से धुंध दिख रही है कि बिल्कुल गाड़ी ऐसे लग रहा है धुओं में चल रही है और कहाँ जा रही है कुछ का पता नहीं है। भाई अगर कोई ना किसी को कहीं जाना है ना बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलना, वरना कोई जरूरत नहीं है निकलने की, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा। ऐसे लग रहा था जानना हथेली पटली की चल रही है बिल्कुल। किसी तरह से हम अब हिसारी पहुंच चुके हैं, हिसारा के ही, मतलब ये हुआ कि खाना खा लेते हैं क्योंकि मेरी तो हिम्मत है नहीं कि बनाने की, तो खाना खा रहे हैं। तो मैं खाना भी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरे ना अजीब सा हो रहा है, बिल्कुल घबराहट सी। ये रास्ता देख के ना सचे पूरे रास्ते घबरा घबरा के आई हूँ, आगे ट्रक पीछे ट्रक, बीच में गाड़ी चल रही है और दिख कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आगे जाके कहाँ टकराएगी, कुछ नहीं पता है बिल्कुल भी। जरा सा भी दिखना ही जैसे बंद हो गया था। बाप रे, आंख पे पट्टी नहीं बांध देते, वो वाला हाल था। ये गाड़ी चले जा रही है, आंख पे पट्टी है। तो चलिए शायद 10 बजे तक हम घर के अंदर होंगे। अभी मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, क्योंकि मेरी अब हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, बंद करती हूँ। और एकदम दौड़ना धूपना इतना परेशानी वाला व्लॉग रहा ये। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे जरा सा भी तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलती हूँ कल की वीडियो के साथ और कल देखती हूँ क्या होता है, कुछ नहीं पता है। जिस काम से गए थे यशु का काम भी नहीं हुआ, इसलिए मूड एकदम ऑफ हो गया है। क्योंकि उस टाइम तक तो हम बहुत खुश थे, लेकिन अभी क्या हुआ है कि मूड ना एकदम ऑफ हो चुका है। एक तो रास्ता देख के इतनी धुंध और काम नहीं हुआ है, तो अब उसके लिए देखती हूँ नेक्स्ट डेट कब मिलती है, कब काम होता है, कुछ नहीं पता है।